ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है। बिल्कुल जब आप टॉप पे आते हो तो आपको बिल्कुल ये पूरा इलाका नीचे नज़र आता है। ये जी देख ले वकार यहाँ पे अब उतर रहा है, किस तरह ये जो है हाथ लगा कर और बड़े आराम और सुकून से उतर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम हरिपुर। तो आज का हमारा प्लान है जब वैली का, जो कि यहाँ से तकरीबन 22 किलोमीटर के फासले पर है। तो हम कोशिश करेंगे कि जब वैली को एक्सप्लोर करें तो उसके साथ अगर हमें टाइम मिला तो हम खानपुर की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि ये जगह खानपुर से तकरीबन 7-8 किलोमीटर के फासले पर है और ये ऐसी जगह है जो अभी तक ज़्यादा जो है एक्सप्लोर नहीं हुई। एक किस्म का आप लोग कह सकते हैं कि ये अनसीन वो है, ब्यूटीज़ है। तो इसकी तरफ अभी हम जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह सफ़र का आगाज़ करते हैं। चलो का बिस्मिल्लाह तवक्कलत अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जी अतार रोड है जो कि पार्ट ऑफ सी पैक है और ये रिसेंटली ये जो ना रोड बना हुआ है। एक्चुअली ये हतार में एक सी पैक जोन, इकोनॉमिक जोन बना हुआ है इंडस्ट्रीज़ का, तो उस वजह से ये उसका पार्ट था और ये बहुत ही खूबसूरत बना है। ये जी बाईपास है, यहाँ से हम अब लेफ़्ट में मुड़ेंगे। ये बेसिकली कांगड़ा बाईपास तो नहीं है लेकिन कांगड़ा बाईपास के नाम से मशहूर हो गया, वरना अगर देखा जाए तो ये एक रिंग रोड बना हुआ है जो हरिपुर का एक किस्म का रिंग रोड है जो शामकसूद से शुरू होता है और फिर वहाँ कलाबट पनिया से होता हुआ यहाँ से अतार रोड को टच करता है और फिर अतार रोड को खानपुर रोड से यहाँ से मिलाता है। ये जी चिचियाँ इंटरचेंज है हज़ारा मोटरवे के ऊपर, जहाँ से आप लोग इस्लामाबाद इफ्टाबाद के लिए निकल सकते हैं। ये जी पाक ऑस्ट्रिया फहोशोले है जो कि मंग के मकाम पर ये यूनिवर्सिटी रिसेंटली इस्टेब्लिश हुई है। ये यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही माशाल्लाह प्यारा बना हुआ है। ओए होए होए होए, ये व्यू चेक कीजिएगा आप लोग, ये चेक करें जी, ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू है। भाई यहाँ पर व्यू बहुत अच्छे मिलते हैं और आजकल तो मौसम भी इस तरह है कि हर तरफ ग्रीनरी है, तो ये बहुत ही खूबसूरत व्यूज है और ट्रैवलिंग का मज़ा आ जाता है। ये जो खानपुर रोड से आप लोग लेफ़्ट की तरफ मुड़ेंगे बहादुर चौक से, तो आप जब वैली की तरफ जो है यहाँ से ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हैं। ये भाई गंदम की कटाई का मौसम बिल्कुल पीक पर है, तो लोग चारों तरफ गंदम की कटाई भी स्टार्ट हो गई है। व्यू चेक कीजिएगा जी, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत व्यू है, बिल्कुल सामने पहाड़ और फिर इसमें आप लोग ये रोड देख ले, रोड माशाल्लाह क्या ही ज़बरदस्त व्यू यहाँ से आ रहा है। तो सफ़र में अगर आपको दो तीन इस तरह की चीज़ें मिल जाए तो सफ़र का मज़ा आ जाता है और क्या कहते हैं कि वो पैसे वसूल हो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ही ज़बरदस्त व्यू है, ये चेक करें जी।
ये देख ले जी, ये देख ले रोड भी माशाल्लाह बिल्कुल करली रोड आप लोग कह सकते हैं। तो आप लोगों को ये व्यू हम दिखाते हैं। ये जी थोड़ा सा स्लोप है, यहाँ पे चढ़ाई है, तो अच्छा हुआ हम जो है ना 125 पे आ गए। पहले हमारा प्लान ये था कि हम 70 पे आते हैं, एक और हमारे पास बाइक थी 70 ड्रीम, तो इरादा तो यही था कि उस पर चले, लेकिन फिर ये सोचा कि पता नहीं चलता कि क्या पता कोई यहाँ पे स्लोप हो, ऑफ रोड सेक्शन हो, तो CJ 125 पे हम सफ़र कर रहे हैं। और ये ऐसी बाइक्स है जो ऑफ रोडिंग के लिए और इस तरह की जगहों के लिए बेस्ट है। बाइक वकार की है और वकार ने इसके जो है ना मल्टीपल नाम्स रखे हैं, तो जिनमें से एक नाम खामार भी है जो कि पश्तो वर्ड्स है और बहुत ही आप कह सकते हैं वकार की फेवरेट बाइक है। काफ़ी अरसे से ही चला रहे हैं इसको, इसने बहुत एंजॉय किया इस पर और बहुत सारे इसने सफ़र किए, तो ये आप लोग साथ साथ व्यू भी एंजॉय करते जाए, व्यू भी देख ले। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है जो कि मैंने पहले ही बताया, इसके बैक साइड पे बिल्कुल खानपुर डैम और ये मारगला की पहाड़ियाँ हैं साथ में पीछे, तो ये देख ले जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत प्यारी जगह है ये। ये हरिपुर के दूर दराज इलाके हैं जो कि हिडन या अनसीन तो आप नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि इस तरफ लोगों की तवज्जो बहुत ही कम है। तो आप लोगों को हम यहाँ से एक व्यू दिखाते हैं, थोड़ा हम यहाँ पे स्टे करते हैं जी। ये चेक करें जी, आई कैचिंग व्यू जिसको कहते हैं वो वाली व्यू है ये। भाई ये बिल्कुल स्टीप स्लोप है, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है और रोड भी जहाँ पे टर्न है वहाँ पे रोड तंग हो जाता है, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत ही एहतियात से करनी पड़ती है। तो रोड अच्छा है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत रोड बना हुआ है, लेकिन ये है कि चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। ये जी खुलफाए राशिदीन चौक है, अब यहाँ पे हम सोचते हैं कि किस साइड पे हमने जाना है। ये जी छोटा सा एक बाज़ार है, यहाँ पर दुकानें हैं तो ज़रूरियाती ज़िंदगी यहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। ये जी बिल्कुल तंग रास्ता है और रास्ता भी ख़राब है, तो पत्थर भी है, बहुत ही एहतियात से आपने ड्राइव करनी है यहाँ पे, बाइक चलानी है तो, लेकिन ये है कि जगह यहाँ से दूर नहीं है, शहर बिल्कुल करीब ही है यहाँ पे। ये जी पूरी जो है ना जब वैली है और यहाँ पे नीचे आबशार है जो कि हज़ारा वाटर फॉल या जब वाटर फॉल से भी फेमस है, और सुनने में हमें ये आया है कि यहाँ पे और भी छोटे छोटे आबशार है जो कि तकरीबन 7-8 तक बन जाते हैं। पैदल? अच्छा यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा जी जी। फिर वकार इस तरह करते कि बाइक चाचे के पास ही खड़ी कर दे। तो जी यहाँ पर हमने बाइक खड़ी कर दी है, ये छोटी सी एक शॉप बनी थी, करियाना की दुकान है, हम जहाँ से हमने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लिए और हम अब नीचे जो है आबशार की तरफ जा रहे हैं। तो
चलिए आप लोगों को आबशार दिखाते हैं, इंजॉय करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत जंगल है। और ये आप चेक कीजिएगा, ग्रीनरी चेक कर ले, यहाँ पे बहुत ही सुकून वाला इलाका है, बहुत ही पुरमन खूबसूरत जगह है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। पार्किंग किधर पार्किंग लगी हुई है? ये जी यहाँ से नीचे आबशार की तरफ उतराई है, लेकिन ये रास्ता बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक है। असल में ये स्लिपरी बहुत ज़्यादा है और स्लिप होने के चांसेस है। अब हम देखते हैं कि हम उतर सकते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पे ऊपर आना भी फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलो जी देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये जी देख ले वकार, यहाँ पे अब उतर रहा है, किस तरह ये जो है हाथ लगा कर और बड़े आराम और सुकून से उतर रहा है। असल में ये पत्थर स्लिपरी है और स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे, तो बहुत ही एहतियात से यहाँ उतरना पड़ता है। शुक्र है बंदा यहाँ से तो पहुँच ही गया है नीचे। तो भाई हम इस जगह पे पहुँच गए हैं, इस वाटर फॉल के व्यू पॉइंट पे। देखिए ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की जगह है और बहुत हाइट पे है, ठीक है। तो जहाँ पे आपने किसी भी इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करनी है, तस्वीर निकालने के लिए, सेल्फी निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ये सपोर्ट है, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है कि आप जो है आप उसके साथ सपोर्ट लें। तो ये सामने जो है ये वाला, ये वाटरफॉल का व्यू है। वाटरफॉल जो है ये, जिसको जब वाटरफॉल कहते हैं। तो बाकी व्यू देखें, इतना खूबसूरत व्यू है। आ जाओ भाई, ये देखें रिजवान भाई जो है वो सामने खड़े हुए हैं, सामने ये रिजवान भाई है। तो ये साइड पे नहीं आ रहे, इसको मैंने कहा आ जाए लेकिन ये साइड पे नहीं आ रहे। ये कह रहे हैं कि ये रास्ता जो है बड़ा ख़तरनाक किस्म का रास्ता है। तो मैंने कहा चले आप वहाँ पे ही रुक जाएं। पहले तो मैंने इनको बहुत कहा जाए रास्ता साफ़ है, लेकिन ये नहीं आ रहे थे साइड पर। तो मैंने कहा चले आप उधर ही रुक जाएं और मैं जो है व्यू देख के आता हूँ। मैंने देख लिया तो समझे आपने भी देख लिया। रिजवान भाई जो है मेरे साथ नहीं आए थे इस साइड पे, तो वो सामने बैठे हुए, चले जाते हैं उनके पास देखते हैं। अच्छा, इनके पास कोई लोकल भी बैठा हुआ है, तो जाके इनसे बातें करते हैं थोड़ी सी। चले जी बस हम यहाँ से अब वापसी करते हैं वाटरफॉल से, और आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जो है इस एडवेंचरस ट्रैक को हम कवर करेंगे। एक जगह तो जी हम क्रॉस करके आ गए हैं, और ये एक दूसरी जगह है जो कि बिल्कुल सीधी है ऊपर की तरफ, और वो ऊपर जाके हमने चढ़ना है। तो चलो जी बिस्मिल्लाह पढ़ के ट्राई करते हैं, अल्लाह खैर वाफियत वाला मामला फरमाए जी। शुक्र है जी हम फाइनली ऊपर आ गए। तो आप लोग ये व्यू चेक करें यहाँ पे, चलो जी यहाँ से हमारी वापसी हो गई। बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह ही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون। बहुत ही खूबसूरत वैली है माशाल्लाह, और बहुत ही खूबसूरत जगह थी, हमने माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया, और उम्मीद है आप लोग भी इसको इंजॉय करेंगे। ये जी आगे ख़त्म नबूवत चौक है, जिसमें लेफ़्ट साइड पे आप लोग कोहाला की तरफ जा सकते हैं,
कोहाला की तरफ एक रास्ता निकलता है जहाँ से आप लोग खानपुर डैम का व्यू देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बिल्कुल जब आप टॉप पे आते हो तो आपको बिल्कुल ये पूरा इलाका नीचे नज़र आता है, जो कि ये हरिपुर हतार और साथ में खानपुर रोड का कंप्लीट व्यू आप लोग यहाँ से इंजॉय कर सकते हो। ये जो हम पहाड़ से नीचे उतर आ गए और अभी बिल्कुल प्लेन एरिया में हैं, तो एज़ पर गूगल ये टोटल डिस्टेंस हरिपुर से जबवेली तक 22 किलोमीटर था, जो कि हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक गूगल मामा ने गलत बताया है, जो कि 30-35 किलोमीटर होना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा डिस्टेंस है, 22 किलोमीटर नहीं है। राइट साइड पे आप लोग एक ग्राउंड में देख सकते हो, यहाँ पे बेल दौड़ जो है गेम किया जाता है, तो ये हर साल टाइम टू टाइम मुनक्कित किया जाता है। ये आप लोग रश देख सकते हो यहाँ पे, तो ये पूरा दिन होता है, बड़ा ही एक मेला लगता है, घोड़ों का भी होता है, इस तरह बेल का भी होता है, दूर दराज से लोग आते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हम फाइनली जी हरिपुर पहुँचने वाले हैं, यहाँ पर ये हैबर अड्डा से हम गुजर रहे हैं, तो हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।